हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। इसके लिए मैंने लिए 5 से 6 उबले हुए आलू, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके डालना तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़ा सा जीरा और धनिया पत्ता और स्वाद अनुसार नमक। तो हम अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे और इसकी क्या कहते हैं पिट्ठी बना के तैयार कर लेंगे। अब हमारी आलू की पिट्ठी बन के तैयार हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको पिट्ठी को इसमें भर लेंगे और अपनी उंगलियों की मदद से इसे ऐसे करके हम बेल लेते हैं। पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे देसी घी, आप चाहे तो मक्खन भी लगा सकते हैं। एक तरफ हमारा घी लग चुका है, अब इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से घी लगा लेंगे। फुलाओ फुलाओ। पराठा हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं।